कि किस तरीके से जो है दो बच्चों की जो है इस हादसे में मौत हो जाती है। 12वीं का नतीजा आया था, इसके बाद जो है नदी में नहाने के लिए जाते हैं, लेकिन अरमान और रोहन जो है इस हादसे में जो है शिकार हो जाते हैं। नदी का पानी जो गहरा था, दोनों की जो डूबने से मौत हो जाती है। अभी प्लस टू का इनका रिजल्ट आया था, तो ये नहाने के लिए यमुना नदी पे गए थे जी। तो जैसे ही वहाँ पे गए, 5 यार दोस्त थे इसके जी, तो 3 यार दोस्त इसके नहरे थे, 2 इसके बाहर खड़े थे जी। तो जैसे ही उसमें नहाने गए तो ये 2 वहीं पे बैठ गए जी। कुंड था वहाँ पे, कुंड में 2, एक रोहन नाम का लड़का है, बीबी पुरुष है, और ये अरमान था, ये वहीं पे बैठ गए जी। एक बहुत ही दुखद हादसा जो है करनाल के इंद्री नबियाबाद जो है वहां से सामने आता है। यमुना नदी में जो है दोस्त जाते हैं नहाने के लिए। आपको बता दें कि एक का जो है 12वीं का नतीजा आया था, जिसके बाद जो है युवक दोस्त जो है आपस में नहाने के लिए जाते हैं नदी में। लेकिन देखते हैं, ये अरमान की तस्वीर है। अरमान जो है इस दुनिया में नहीं रहा, नदी में जो है डूब जाता है। अरमान और रोहन दो दोस्तों की जो है मौत हो जाती है। हालांकि 5 दोस्त जो है नदी में नहाने के लिए गए थे। अरमान के परिवार वाले यहाँ पर मौजूद हैं। बता दें कि 12वीं का रिजल्ट आया था, उसकी खुशी में जो है सारे दोस्त मिलकर जो है नदी में नहाने के लिए जाते हैं। वहां पर जो है सुबह से ही नहा रहे होते हैं, जिसके बाद एक दुखद समाचार आती है। परिवार को जो है पता चलता है कि उनके परिवार का बेटा जो है वो जो है अब इस दुनिया में नहीं रहे। अरमान के परिवार वाले उनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ पूरा मामला है। जो बच्चे हैं अभी प्लस टू का इनका रिजल्ट आया था, तो ये नहाने के लिए यमुना नदी पे गए थे जी। तो जैसे ही वहाँ पे गए, 5 यार दोस्त थे इसके जी, तो 3 यार दोस्त इसके नहरे थे, 2 इसके बाहर खड़े थे जी। तो जैसे ही उसमें नहाने गए तो ये 2 वहीं पे बैठ गए जी। कुंड था वहाँ पे, कुंड में 2, एक रोहन नाम का लड़का है, बीबी पुरुष है, और ये अरमान था, ये वहीं पे बैठ गए जी। तो जैसे ही इनके यार दोस्त को पता लगा भाई आए नहीं, तो उन लोगों ने आवाज भी लगाई वहाँ पे नबियाबाद से, गुरुद्वारा के भाई जी उनको भी बोला, वो भी आए। उन्होंने भी जैसे भी कोशिश की, लेकिन उस पर तैरना तो आतन था, लेकिन अपने स्तर पर उन्हें कोशिश की। फिर प्रशासन को उन्होंने अलर्ट किया, वेटिंग कराई वहाँ से, तो हमारे पास भी ये करीब 4 बजे के करीब घर से निकले थे, तो 5 बजे करीब हमारे को पता लगा भाई ये यमुना नदी पे गए हैं। तो जैसे ही हम गए वहाँ पे, ऐसे पता लगा उन बच्चों ने बताया भैया, तो वहीं के स्थानीय लोग थे, उन्होंने इसको इनको निकाला और अभी यहाँ पे लेकर आए। तो कौन कौन दोस्त थे, क्या एक सारे एक साथ पढ़ते थे? सारे एक ही साथ पढ़ते थे, कोई प्लस 1 में था जी, कोई प्लस 2 में था, तो सब इसके क्लासमेट थे जी। और रिजल्ट किसका आया था? रिजल्ट इसके जो रोहन है, रोहन का आया था जी, और इसके साथ और भी चरणदास लड़का, उनके आए थे जी, और ये प्लस 1 से प्लस 2 में आया था लड़का जी। पहले अरमान जाते थे लड़के ऐसे? नहीं, पहले तो कभी गए नहीं, बस अभी ये गर्मी के कारण ले लो जी, प्लस 2 का रिचार्ज आया तो मौज मस्ती के लिए उधर जाने चले। अरमान कौन सी क्लास में? अरमान प्लस 2 में होता था। आप अरमान के साथ? हाँ जी, मैं अरमान का चाचू हूँ जी। तो क्या बताया था कि पार्टी वगैरह करने के लिए निकले हुए थे? नहीं, बस वैसे ही घूमने, वही नहाने के लिए गया। हाँ जी, मौज मस्ती के लिए गया। नदी बिल्कुल पास है गांव के? हाँ, 2-4 किलोमीटर है हमारे गांव। कौन कौन थे जिनकी मौत? एक का नाम अरमान है जी, और एक का नाम रोहन है। अरमान बदरपुर का है जी, और रोहन है वो बीबीपुर ब्राह्मण का जी। हमारे पास देख सकते हैं 12वीं के नतीजे आते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से जो है दो दोस्तों की जो है दुखद मौत हो जाती है। अच्छा, मतलब सबके 11वीं 12वीं के रिजल्ट थे जी। तो आप देख सकते हैं कि क्या पता चला था, क्या हुआ था? बस जी घूमने गए थे जी, दोस्त आपस में चलना कहते हैं, गर्मी हो रही तो 3 अंदर बढ़ गए, एक बाहर रह गए, जैसे 2-3 अंदर चले गए, तो उनकी डूबने से मौत हो गई कुंड के अंदर। दोनों छात्रों पे तैरना नहीं आता था? नहीं, तैरना नहीं आता जी, किसी के पास भी तैरना नहीं आता था। उम्र क्या कहती थी? उम्र तो ये 16-17 साल जी। प्लस 2 पास की थी अभी? एक 11वीं पास था ये, तो कुछ ने प्लस 2 पास की, तो उस खुशी में नहाने के लिए चले गए। उन्होंने दी कितने भाई बहन है? अरमान 3 है जी, 2 भाई 1 बहन। आज पोस्टमार्टम के लिए आए? हाँ जी, पोस्टमार्टम के लिए आए। हाँ जी। तो क्या कोई दूसरे साथी थे 3, वो वहीं मिले मौजूद या फरार हो गए? नहीं, बच्चे तो वहीं थे, मौजूद थे जी, वहीं पे बच्चे थे जी, मैं घबरा गए जी, बच्चे तो वहीं मौजूद थे, एक जो भी ब्राह्मण का था, दूसरा लड़का वो इनके साथ ही। किसी की शरारत तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई शरारत नहीं है, किसी का कोई हाथ नहीं है जी, कोई शरारत नहीं जी, कोई शरारत नहीं। वैसे अचानक ही घटना हुई, आज सोया जी अचानक ही। दूसरे दोस्त भी वहीं के थे? बस गांव के थे, आसपास गांव के, कोई जैसे बीपुर का, कोई बदरपुर का, रंदोली ऐसे थे जी। दोनों बच्चे कहाँ कहाँ के हैं? जो जो डेथ हुए बच्चे जी, एक बदरपुर का जी, एक बीबीपुर का जी। तो क्या पानी गहरा तो है वहाँ पे? क्या था आज गहरा पानी था जी, कुंड वगैरह होता है यमुना नदी के अंदर, तो उसमें बीच में फंस गए।
उसके बाद प्रशासन देखते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर दो बच्चे जो है नहर में नहाने के लिए जाते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से जो है दो बच्चों की जो है इस हादसे में मौत हो जाती है। 12वीं का नतीजा आया था, इसके बाद जो है नदी में नहाने के लिए जाते हैं, लेकिन अरमान और रोहन जो है इस हादसे में जो है शिकार हो जाते हैं। नदी का पानी जो है गहरा था, दोनों की जो है डूबने से मौत हो जाती है और तीन बच्चे जो है इसमें बाहर आ जाते हैं। उसके बाद परिवार को जो है इत्तला की जाती है, परिवार के लोग जो है वहाँ पर आते हैं और उसके बाद पता चलता है कि अरमान और रोहन की जो है दुखद हादसे में मौत हो जाती है। इंद्री के जो है नदियाबाद में जो है गुरुद्वारे के नज़दीक जो है नदी है, वहाँ पर जो है 5 यार दोस्त जो है नहाने के लिए जाते हैं, क्योंकि 12वीं का नतीजा आता है और उसके बाद नतीजे के बाद जो है वो नदी में नहाने के लिए जाते हैं यार दोस्त इकट्ठे होकर जो है मौज मस्ती के लिए। लेकिन उनको पता नहीं था कि पूरा जो हादसा है उनके साथ घट जाएगा, दो दोस्तों की जो है मौत हो जाती है। उसके बाद परिवार के लोग जो है यहाँ पर पहुँचे हैं पोस्टमार्टम करवाने के लिए, लेकिन एक बहुत ही दुखद हादसा जो है पूरे परिवार पर जो दुखों का पहाड़ जरूर टूट जाता है। मुकुश तेजा, करनाल वेकी न्यूज़, करनाल।